साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूल भुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को भूल भुलैया 3 प्रीमियर पर, यूट्यूब पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस स्पीड के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशली IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था। नवंबर 1 पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूल भुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला। ये मूवी भूल भुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है, जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें, इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है, और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था। बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों, जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे स्पीड को लाइक कर सकती हो। आप सभी को बता दें, इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर, और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर, और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd हाइएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर, और बाद में ये मूवी 6th हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें, कार्तिक आर्यन सर जब भूल भुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको, जो कि KR आडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूल भुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था, हॉरर सिनेमा के डायरेक्टर पर जो भूल भुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के 2 मूवी के बाद उन्होंने भूल भुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूल भुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूल भुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज, जो कि भूल भुलैया की पहली सीक्वल से, उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी को बता दें, कार्तिक आर्यन सर, जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूल भुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा देसी 2 मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीज़न से पिछले जब 2019 के आसपास, 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे, वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से
उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है, उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें, लुका छिपी रिलीज़ में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कम बैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कम बैक मिल जाता था, तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा। पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है, फिर से कम बैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें, आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जीरो ने इसके साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से, डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह, जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा, 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही दिया गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप ना करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जो कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसके रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया
टू जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री टू के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री टू को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री टू इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री टू की कलेक्शन और स्त्री टू के पॉपुलरिटी देखने के रीज़न से इस टाइम भूलभुलैया की क्योंकि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीज़न से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीज़न से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज़ जो रिलीज़ में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियल रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज भी आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर, यूट्यूब पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशल IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, November 1st पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है और जिसके साथ साथ सिनेमान स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे स्पीड को लाइक कर सकती हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के September 2024 के अंदर और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज किया था 1 नवंबर जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज करने के रीजन से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest grossing हिंदी फिल्म के अंदर और बाद में ये मूवी 6th highest grossing इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया कुछ यूनिक स्टोरी के साथ, उनको जो कि KR आडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान
ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस बामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस बामजे जो पॉपुलर मूवीज के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था, हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस बामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया की तीसरी सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राज, राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें, कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 जैसे दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें, लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हिंदी ऑडियंस के लिए। भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हॉक तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामजे ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे, या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं, और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा, और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें, आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर हैं, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इससे साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है।
काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से, डिजिटल क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सिक्वल की तरह, जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस आसपास ही दे गया है। पर दोस्तों, जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था। लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएगा। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीज़न से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने के जिक्र हुआ, और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बनाया हुआ था, और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज़ जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था, और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियली रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रही गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा, हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज की कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर, YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले है। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशल IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, November 1st पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफ़ी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालनी और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे।
आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है, और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ए फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर, और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर, और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर पर, दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 वीक डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर, और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको जो कि KR आडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है, अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम नो एंट्री वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर, जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया की तीसरी सीक्वल में कमबैक करने के रीजन से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीजन से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हिंदी ऑडियंस के लिए। भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग में रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी
रह सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की 4th फ्रेंचाइज को भी रिलीज किया जाएगा। पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है, फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे, या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के 4th सीक्वल्स और इस मूवी के 4th फ्रेंचाइज में लेकर आने की बात उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इससे साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस पर चल रही इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के 4th सीक्वल की तरह, जो कि 4th फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही रह गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ, और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था, जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि 3rd सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की 3rd सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आए काफ़ी सारे मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था, और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में
सिनेमा घरों और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियली रीमेक मूवी रहने के रीजन से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीजन से उन मूवीज को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज अपडेट, OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर, YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशल IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था। नवंबर 1 पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकती हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर, और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज करने के रीजन से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको जो कि KR अडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा के डायरेक्टर पर जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीजन से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीजन से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राज, राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वेंस है उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की
काफी ज्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूल भुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज्यादा देसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीजन से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूल भुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूल भुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूल भुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूल भुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे, या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूल भुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया और उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला, ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूल भुलैया के चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इससे साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूल भुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही दिया गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जो कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल सुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसके रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा जिसके रीजन से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों
अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज किया जाना, जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रेक्टर था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था। 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया। तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारी मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियल रीमेक मूवी रहने के रीजन से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीजन से उन मूवीज को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशली IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था। November 1st पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ के साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीजन से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 वीलर्स के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया,
कुछ यूनिक स्टोरी के साथ, उनको जो कि कियार अडवाणी के साथ दिखा गया था। मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा के डायरेक्टर पर, जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज, जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से, उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें, कार्तिक आर्यन सर, जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे, वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें, लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने, और इस मूवी में अगर फिर से कम बैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग में रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीज़न से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कम बैक मिल जाता था, तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस भामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कम बैक करेंगे अक्षय कुमार, कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे, या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं, और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीज़न से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक, और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीज़न से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा, और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी बता दें, आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर हैं, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इसके साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है।
काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से, डिजिटल क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह, जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा, 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस का अक्सर आसपास ही दिया गया है। पर दोस्तों, जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल सिंह कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएगा। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीज़न से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ, और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा, जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था, और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीज़न से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरी सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसकी रीज़न से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरी सीक्वल को लेकर, जिसके रीज़न से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारी मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज़ जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था, और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियली रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रही गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा, हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज की कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रहे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर, YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस स्पीड के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की स्पीड में देने वाले हैं। स्पेशली IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, November 1st पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफ़ी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है, जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे।
आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है, जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ए ए फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बताते इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर, और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर, और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको जो कि कियार आडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के 3rd sequel में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था, हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया के 3rd sequel में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें कार्तिक आर्यन सर, जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चार से देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है, उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीज़न से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिक्स लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हद तक पॉपुलरिटी भी
रह सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक एंटरटेनिंग है जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की 4th फ्रेंचाइज को भी रिलीज किया जाएगा। पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है, फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के 4th सीक्वल्स और इस मूवी के 4th फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जीरो ने इसके साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के 4th सीक्वल की तरह, जो कि 4th फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही रह गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल सुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएगा। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 के कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि 3rd सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की 3rd सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आए काफ़ी सारे मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है, ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में
सिनेमाघरों और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियली रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज़ में आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रही गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर, यूट्यूब पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशल IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था। नवंबर 1 पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी का बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुकी है। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर, और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको जो कि KR आडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की
काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूल भुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा देसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीजन से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है, उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूल भुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूल भुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कम बैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिक्स लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कम बैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूल भुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक एंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बावने ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूल भुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कम बैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूल भुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूल भुलैया की चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इसके साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से, डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूल भुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह, जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही रह गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल सुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसके रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएगा। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसके रीजन से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों
अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज किया जाना, जिससे दीपिका पादुकोण को यूनिक रेखता लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था। 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया। तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 पर रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में काफ़ी सारी मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियली रीमेक मूवी रहने के रीजन से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीजन से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी YouTube प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशली IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, November 1st पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी का बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे स्पीडे को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के September 2024 के अंदर और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीजन से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया,
कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको, जो कि कियार अडवाणी के साथ दिखा गया था। मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर, जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राज, राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज, जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से, उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें, कार्तिक आर्यन सर, जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे, वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चार से देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें, लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था, तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस भामजे ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे, या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं, और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा, और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें, आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इससे साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है।
काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से, डिजिटल क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह, जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा, 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही रह गया है। पर दोस्तों, जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था। लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जो कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल सुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीज़न से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीज़न से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीज़न से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसकी रीज़न से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ, और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था, और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीज़न से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीज़न से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीज़न से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज़ जो रिलीज़ में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था, और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियल रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज भी आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा, हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर, यूट्यूब पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशली IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, नवंबर 1 पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफ़ी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालनई और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे।
आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है, और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ए फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर, और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर, और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर, और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको जो कि KR आडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था, हॉरर सिनेमा के डायरेक्टिंग पर जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर, जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीज़न से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हिंदी ऑडियंस के लिए। भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हद तक पॉपुलरिटी भी
रह सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की 4th फ्रेंचाइज को भी रिलीज किया जाएगा। पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है, फिर से कम बैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के 4th सीक्वल्स इस मूवी के 4th फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इसके साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के 4th सीक्वल की तरह, जो कि 4th फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस आसपास ही दे गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था। लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप ना करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जो कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएगा। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा जिसके रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था। 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बनाया हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि 3rd सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की 3rd सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारी मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में
सिनेमा घरों और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियल रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज़ भी आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रही गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रहे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले है। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशल IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था। नवंबर 1 पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी का बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था। बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे स्पीड को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज करने के रीजन से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको जो कि KR आडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम नो एंट्री, नो एंट्री नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा के डायरेक्टिंग पर जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के 2 मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीजन से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीजन से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज किया और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राज, राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वल से उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की
काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा देसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है, उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हिंदी ऑडियंस के लिए। भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर तो दोस्तों मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग में रहता था, पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हॉक तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था, पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बावने ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था, तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया और उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला, ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इसके साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस पर चल रही इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क के क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा, 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही रह गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसके रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसके रीजन से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों
अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज किया जाना, जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रेक्टर था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के वजह से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था। 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया। तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आए काफ़ी सारे मूवीज़ हैं जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज़ जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रहे थी वो सब मूवी ही ऑफिशियल रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज के कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले है। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशल IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था। November 1st पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफ़ी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है और जिसके साथ साथ Cine1 स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 वीलर्स के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है।
आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको जो कि कियारा आडवाणी के साथ दिखा गया था। मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा के डायरेक्टर पर, जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीजन से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीजन से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वेंस है, उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर, जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे, वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीजन से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने, और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग में रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था, तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस भामजे ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे, या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं, और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक, और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा, और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर
भी रिलीज करने की बात रही थी। पर दोस्तों स्त्री टू में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से बुलबुले के चौथी सीक्वल्स इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जीरो ने इससे साथ साथ स्त्री टू जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुकी है और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही दिया गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा क्योंकि को काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जो कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल सुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने ठेक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आए काफ़ी सारी मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियल रीमेक मूवी रहने के रीजन से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीजन से उन मूवीज़ की पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रही गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज के कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीडियो के अंदर देने वाले है। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशल IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, नवंबर 1 पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था।
आप सभी को बता दें, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला। ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है, जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ ही साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें, इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है, और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ए फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों, जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है, उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकती हो। आप सभी को बता दें, इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर, और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर। और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज करने के रीजन से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला। और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर, और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें, कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको, जो कि कियार अडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा के डायरेक्टर पर, जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीजन से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीजन से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज, जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वेंस है, उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें, कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे, वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था।
स्पेशली आप सभी को बता दें, लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग में रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हॉप तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की 4th फ्रेंचाइज को भी रिलीज किया जाएगा। पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है, फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से, एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूलभुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा, रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज करने की बात रही थी। पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के 4th सीक्वल्स और इस मूवी के 4th फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें, आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इससे साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के 4th सीक्वल की तरह, जो कि 4th फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही दिया गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जो कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल अर्जुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे, जो इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने ठेक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीज़न से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें, भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था, जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की
क्योंकि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारी मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था, और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियल रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को भूलभुलैया 3 प्रीमियर पर YouTube पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले है। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशली IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, नवंबर 1 पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है, और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुके हैं। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकती हो। आप सभी को बता दें इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर, और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर, और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर, और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया कुछ यूनिक स्टोरी के साथ, उनको जो कि KR अडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है, अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था, उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था हॉरर सिनेमा के डायरेक्टर पर, जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के 2 मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया,
जो कि अनीस बामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है और इस बार भूल भुलैया की तीसरी सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूल भुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राज राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज जो कि भूल भुलैया की पहली सीक्वल से उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूल भुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है। उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें लुका छिपी रिलीज में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें इस टाइम भूल भुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी ऑडियंस के लिए भूल भुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन ने कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग में रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीजन से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हॉक तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूल भुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीजन से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस बामले ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूल भुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा, पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर से कमबैक करेंगे अक्षय कुमार, कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीज़न से लोगों को भूल भुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीज़न से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज़ करने की बात रही थी, पर दोस्तों इस 3-2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूल भुलैया के चौथी सीक्वल्स और इस मूवी के चौथी फ्रेंचाइज में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर हैं, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इससे साथ साथ इस 3-2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूल भुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के चौथी सीक्वल की तरह, जो कि चौथी फ्रेंचाइज की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा, 350 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही रह गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से
अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था। लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल अर्जुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है, कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा, जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना, और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रहता था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीज़न से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 करोड़ के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था। और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसके रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ, और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था, और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीज़न से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि तीसरे सीक्वल को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीज़न से उसी लहर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की तीसरे सीक्वल को लेकर, जिसके रीज़न से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आए काफ़ी सारे मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज़ जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था, और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियली रीमेक मूवी रहने के रीज़न से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीज़न से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रही गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल 2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी, जी हाँ दोस्तों फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूलभुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर, यूट्यूब पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। स्पेशली IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी हाल ही में रिलीज में आया था, November 1st पर इस मूवी को रिलीज किया था। इस मूवी का बजट रहा था 150 करोड़ के बजट पर इस मूवी का बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी की लिस्ट में आ गया था। आप सभी को बता दें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 350 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन करने के साथ ये मूवी बॉलीवुड में 2024 में रिलीज में आई मूवी में वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द हिट मूवी की लिस्ट में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट से 2 गुना की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है, जिसको देखने के बाद इस मूवी के मेकर्स काफ़ी खुश है। भूलभुलैया की फ्रेंचाइज को इतना प्यार मिला, ये मूवी भूलभुलैया की तीसरी फ्रेंचाइज सीरीज है जिसके अंदर आप सभी को लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और साथ साथ माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति दिमरी इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स रहा है, और जिसके साथ साथ सीने वन स्टूडियो ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिसके साथ आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर AA फिल्म्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रह चुकी है। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया था, बाद में रूमर्स ने इस मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर तेलुगु के साथ साथ तमिल और इस मूवी को काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर भी रिलीज करने की जिक्र किया है। तो दोस्तों जो लोग सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड है
उन सभी के लिए ये वीडियो प्रीमियर सबसे ज़्यादा खास और सबसे बेहतरीन होने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप सभी को बताते हैं, इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस किया था मार्च महीने पर 2023 के अंदर और प्रिंसिपली फोटोग्राफी टुक लिया इस मूवी के सितंबर 2024 के अंदर। और इस मूवी के बाद मूवी को थिएटर रिलीज़ किया था 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर पर दिवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज़ करने के रीज़न से ये मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी देखने को मिला। और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 डेज के अंदर रैंक किया था 3rd highest ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म के अंदर, और बाद में ये मूवी 6th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024 बन चुका है। आप सभी को बता दें, कार्तिक आर्यन सर जब भूलभुलैया 2 के फ्रेंचाइज में उनको लीड कास्ट में लिया था, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखा दिया। कुछ यूनिक स्टोरी के साथ उनको, जो कि कियार अडवाणी के साथ दिखा गया था, मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला। ये सब देखते हुए मूवी के डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को काफ़ी प्यार मिला, जिसके फ्रेंचाइज के तीसरे सीक्वल में कार्तिक आर्यन को फिर से लीड रोल मिल गया है, जिसके दौरान ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। थिएटर से ये मूवी बाहर निकल चुका है। अनीस भामजे की डायरेक्टर पर बनी हुई ये मूवी रहा है, जिन्होंने इसके साथ साथ 2022 में रिलीज में आए भूलभुलैया की दूसरी फ्रेंचाइज को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अनीस भामजे जो पॉपुलर मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक जैसी काफ़ी सारी कॉमेडी मूवी को डायरेक्ट किया था। उनकी हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर ये मूवी, जो कि वेलकम मूवी जो कॉमेडी मूवी रहा था, हॉरर सिनेमा की डायरेक्टिंग पर जो भूलभुलैया 2 के बाद इन्होंने 2022 के दो मूवी के बाद उन्होंने भूलभुलैया 3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अनीस भामजे की पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट देखने को मिलना काफ़ी अहम भूमिका रहती है। और पहली बार कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति मैम काम कर रखी है, और इस बार भूलभुलैया के तीसरे सीक्वल में कमबैक करने के रीज़न से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को कमबैक करने के रीज़न से ये मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट दिख रहा था। 2007 की भूलभुलैया 3 की फ्रेंचाइज के इस मूवी के रिलीज़ किया, और जो मूवी काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट में दिख रहा था। विजय राजपाल यादव इस मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी को कॉमेडी इंटरटेनिंग करवाने के लिए राजपाल यादव फ्रेंचाइज, जो कि भूलभुलैया की पहली सीक्वेंस है, उनकी सपोर्टिंग देखने को मिला है। ये सब देखने के साथ राजपाल यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो गया था। आप सभी बता दें, कार्तिक आर्यन सर जिन्होंने 2024 में चंदू चैंपियन और भूलभुलैया 3 दो मूवी को इन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने 2022 पर भूलभुलैया 2 के बाद 2023 में इन्होंने सत्य प्रेम की कथा और से ज़्यादा जैसी दो मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही मूवी एवरेज मूवी रहा, जो कि एक मूवी रहा था ऑफिशियली रीमेक मूवी, जिसके रीजन से पिछले जब 2019 के आसपास 2015 के आसपास जो भी मूवी साउथ इंडस्ट्री से रीमेक में लेके आते थे, वो सब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते थे। मूवीज़ के पॉपुलरिटी और मूवीज़ के हिंदी वर्जन के चर्चे देखने को नहीं मिलता था, जिसके रीज़न से उनकी काफ़ी हद तक साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ को प्यार मिलता था। 2019 में जब लुका छिपी आया, जो कि उस टाइम जो कि कार्तिक आर्यन सर की पॉपुलरिटी एक लेवल आगे देखने को मिला है, उसके साथ उन्होंने 2011 में प्यार की पंचनामा, सोनू की टेटी की स्वीटी और लव आजकल जैसी मूवी को काम करते हुए उनकी एवरेज रही थी, और उनकी प्यार का पंचनामा को काफ़ी प्यार मिला, पर दोस्तों उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही थी। बाद में 2018 की मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी को रिलीज़ में लेके आया, जो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला था। स्पेशली आप सभी को बता दें, लुका छिपी रिलीज़ में आने के बाद कीर्ति सनोन के साथ उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिला। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस टाइम भूलभुलैया की दोनों ही फ्रेंचाइज से उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हिंदी ऑडियंस के लिए। भूलभुलैया की इस फ्रेंचाइज को कार्तिक आर्यन कंटिन्यू करने और इस मूवी में अगर फिर से कमबैक करते अक्षय कुमार सर, तो दोस्तों ये मूवी एक डिफरेंट कास्टिंग रहता था। पर दोस्तों इस टाइम अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी, जिसके रीज़न से इस मूवी के मेकर्स इतना ज़्यादा रिक्स लेना नहीं चाहा, क्योंकि दोस्तों ये एक सक्सेसफुल स्टोरी रहा था। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार सर को कमबैक मिल जाता था, तो दोस्तों ये मूवी एक बेस्ट हब तक पॉपुलरिटी भी रेस सकने के चांसेस रहता था। पर दोस्तों इस मूवी के कहानी को उसी तरीके से कंटिन्यू किया जब भूलभुलैया 2 की कहानी को एंड किया था, जिसके रीज़न से ये मूवी इतना बेहतरीन बना। मूवी की स्टोरी एक इंटरटेनिंग है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पसंद करते हैं। स्पेशली अनीस भामरे ने पिछले टाइम डायरेक्टिंग के साथ साथ इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये जिक्र हुआ कि दोस्तों भूलभुलैया की चौथी फ्रेंचाइज को भी रिलीज़ किया जाएगा।
पर दोस्तों अभी कुछ जिक्र नहीं किया है, फिर से कंपेयर करेंगे अक्षय कुमार कुछ डिफरेंट यूनिक कहानी से एक ही नाम से कंटिन्यू करेंगे या फिर से कार्तिक आर्यन सर को ही कंटिन्यू करेंगे, ये तो देखना ही बाकी है। पर दोस्तों कार्तिक आर्यन सर एक ही रोल में नजर आ रखे हैं और एक ही कास्टिंग और उनकी एक ही तरह की सिनेमाग्राफी देखने के रीजन से लोगों को भूल भुलैया 2 और 3 में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कास्टिंग एक और कार्तिक आर्यन को ही कहानी और उनकी जो रियल नेचुरल एक्टर के रीजन से ये मूवी उतनी ज़्यादा खास तो नहीं लगा और रेटिंग भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑडियंस की तरफ से। क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी के हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। तमन्ना भाटिया को इस टाइम मूवी के अंदर भी रिलीज करने की बात रही थी, पर दोस्तों स्त्री 2 में जब तमन्ना भाटिया को एज अ लीड कास्टिंग ले गया, उनकी लीड कास्टिंग से पहले तमिल वर्जन पर उनकी पॉपुलरिटी देखने को मिला। ये सब देखते हुए कार्तिक आर्यन को फिर से भूलभुलैया के 34 sequels और इस मूवी के 34 franchise में लेकर आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं है। आप सभी को बता दें आकाश कौशिक जो कि अमर कौशिक के ब्रदर है, आकाश कौशिक ने इस मूवी को लिखा है। अमर कौशिक जिन्होंने इसके साथ साथ स्त्री 2 जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और अमर कौशिक की पॉपुलरिटी तो आप सभी को मालूम है काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली इन दिनों काफ़ी प्यार मिला लोगों को मूवी के मेकर्स की तरफ से डिजिटल नेटवर्क क्रिएटर्स और पॉपुलरिटी देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 3 के साथ 2024 में रिलीज में आया सिंघम अगेन, जो कि सिंघम मूवी के 34 sequel की तरह जो कि 34 franchise की तरह इस मूवी को दिखा जाता है। रोहित शेट्टी की डायरेक्टिंग पर बनी हुई इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिला है और मूवी काफ़ी हाई बजट मूवी रहा, 350 crore से भी ज़्यादा की बजट पर इस मूवी को बनाने के साथ बजट इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसपास ही रह गया है। पर दोस्तों जैसे कि लो बजट पर बनाने के हो गया था, इस मूवी को अगर काफ़ी लो बजट पर फिर से अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था अजय देवगन सर को सिंघम मूवी में नहीं देखा हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे अगर इस मूवी को शॉर्ट और स्वीट कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय देवगन सर को ही लीड कास्ट में लेकर मूवी को अगर कुछ डिफरेंट यूनिक स्टोरी के साथ उनको लेकर आते थे, उतना ज़्यादा फाइट सीन मिक्सअप न करके उतना ज़्यादा एक्टर्स जगह इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, अनिल सुन कपूर जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को एक ही साथ लेके आ रखे हैं, जिसकी रीजन से इसमें आपसे रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इतनी बड़े बड़े दिक्कत को लेकर मूवी को मिक्सअप किया है कुछ खिचड़ी जैसा बनाने के रीजन से ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ठीक ठाक किया, स्टोरी तो ठीक ठाक है, पर दोस्तों बजट ज़्यादा लगा जिसकी रीज़न से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस रहा उसको इस मूवी ने फेंक नहीं पाया था। अगर दोस्तों अजय देवगन सर की इस मूवी को सिंघम अगेन को नाम से या फिर सिंघम 4 नाम के रिलीज़ किया जाना और जिसमें दीपिका पादुकोण को यूनिक रेक्टर था लेकर और अर्जुन कपूर को लीड एक्टर में लेकर मूवी को इंट्रोड्यूस करने के रीजन से काफ़ी लो बजट पर इस मूवी को निपटा जाता था, 200 crore के आसपास पर इस मूवी को बजट पर इन्होंने बनाया, तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और काफ़ी खास लगता था और उसी तरह से अगर इसी आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहती थी तो दोस्तों बजट के 2 गुना की कलेक्शन इस मूवी को दिखती थी, जिसकी रीजन से ये मूवी एक सुपरहिट मूवी के फ्रेंचाइज में आने के चांसेस रहती थी। आप सभी को बता दें भूलभुलैया 2 जब 2022 में रिलीज हुआ था उस टाइम स्त्री 2 के कंटिन्यू करने की जिक्र हुआ और स्त्री 2 को भी 2024 पर रिलीज में आया, जो भी एक सुपर सक्सेसफुल मूवी रहा जिसने 800 crore से भी ज़्यादा कलेक्शन किया। स्त्री 2 इस टाइम काफ़ी लो बजट पर बना हुआ था और जिसके बावजूद भी स्त्री 2 की कलेक्शन और स्त्री 2 के पॉपुलरिटी देखने के रीजन से इस टाइम भूलभुलैया की जो कि 3rd sequel को भी काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, जिसके रीजन से उसी लेयर में भूलभुलैया 3 को भी काफ़ी प्यार मिला उसके फ्रेंचाइज की 3rd sequel को लेकर, जिसके रीजन से भूलभुलैया 3 भी एक सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा की मूवी बना। क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन पर रिलीज में आई काफ़ी सारे मूवीज है जिनकी कहानी तेलुगु और तमिल से ही रीमेक में लेके आने थे, उतनी अच्छी राइटर नहीं है ये तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तेलुगु और तमिल सिनेमा की मूवीज जो रिलीज में आती थी उनकी स्टोरी को रीमेक किया जाता था और वो स्टोरी जब हिंदी वर्जन पर या फिर सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं दिखा था तो दोस्तों लोगों को यही लगता था कि दोस्तों बॉलीवुड की सिनेमा ओरिजिनल है, उनकी कहानी ओरिजिनल है। पर दोस्तों बाद में सिनेमा करो और इतनी इंटरनेट की दुनिया के बाद मालूम पड़ा कि दोस्तों बैक टू बैक जो मूवी हिट रही थी वो सब मूवी ही ऑफिशियली रीमेक मूवी रहने के रीजन से वो सब मूवी अब डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर रिलीज में आने लगे, जिसके रीजन से उन मूवीज़ को पॉपुलरिटी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भूलभुलैया 3 को इतनी पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। बहुत ही जल्द ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर आने के साथ साथ जब ये मूवी यूट्यूब प्रीमियर आएगा हम आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ OTT रिलीज से कन्फर्म प्रीमियर और कुछ लोगों को मूवी के सब्सक्रिप्शन के राइट्स भी सोल्ड आउट करेंगे। साल
2024 की बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर हॉरर कॉमेडी मूवी। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज की स्पीड में हम बात कर रखे हैं भूल भुलैया 3 मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज अपडेट OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को भूल भुलैया 3 प्रीमियर पर, यूट्यूब पर और काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर OTT प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे आप सभी इस मूवी को फ्री में देख पाओगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आज की स्पीड के अंदर देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट, मूवी से जुड़ी सारी अपडेट, रिलीज प्रीमियर के साथ साथ मूवी से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाले हैं।